दोस्तों आज मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपके समक्ष न ही मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आया हूँ, न ही साइंस की क्लास लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे आपके और अपने हितों की बात करेंगे, अपन कैसे कोरोना से लड़ सकते हैं उनकी बात करेंगे। आइए दोस्तों एक समय था कि हम बड़े बड़े शहरों से ये समाचार सुना करते थे कि वहाँ कोरोना का इतना भयंकर विस्फोट, वहाँ कोरोना से इतने लोग पॉजिटिव, कोरोना से इतने लोग नेगेटिव, कोरोना ने किया अन्य लोगों को संक्रमित। साथियों वही समाचार वही खबरें आज हमारे ग्रामीण इलाकों की गलियों में गूंज रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बिना फालतू घर से बाहर नहीं निकलें। अगर आपको निकलना भी आवश्यक है तो मुंह पे मास्क लगाएं। अगर साथियों भीड़ भाड़ वाली जगह पे जा रहे हो तो एक नहीं दो मास्क का प्रयोग करें। इलाज ही बसाव है साथियों, अब तो आपके पास में इलाज है, अब तो आपके पास में समय है और समय रहते सेहत जाइए। दोस्तों दो दिन पहले आपने एक बड़ी दर्दनाक तस्वीर देखी होगी, एक महिला अपने पति को ऑटो से हॉस्पिटल लेकर आती है और हॉस्पिटल में कहीं पर भी ऑक्सीजन की व्यवस्था न होने पर वो महिला अपने रिश्तेदारों को फोन करती ही रहेगी और तब तक उसके पति की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। उस महिला ने अपने पति को बचाने के लिए अपने मुंह से उस व्यक्ति को श्वास देना शुरू कर दिया ताकि वो श्वास उसकी फेफड़ों तक पहुंचाई जा सके, लेकिन वो सिस्टम के आगे हार गई, अपने पति को नहीं बचा पाई। दोस्तों एक महिला के लिए इससे बड़ा उसके जीवन में क्या दुख हो सकता है, अपने ही पति की अपनी ही गोद में मृत्यु होगी। लेकिन यह वही भारत देश है जहां रामनवमी के दिन गली गली में भगवान श्री राम के नारे गूंजते थे, लेकिन उसी गलियों में आज राम नाम सत्य के सितारे गूंजते हैं। हम बहुत हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ा करते थे, आज न हिंदू खतरे में है आज न मुसलमान खतरे में है, ये दोनों ही खतरे से बाहर आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दोनों ही सांस नहीं ले पा रहे हैं। गुजर रही जिंदगी एक ऐसे मुकाम से अपने ही दूर हो रहे हैं। जरा से जुकाम से सारी कायनात में एक कातिल बीमारी की हवा हो गई, वक्त ने ऐसा सतम ढाया कि अब दूरियां ही दवा होगी। दोस्तों दूरियां ही अब दवा होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 15 से 20 मई तक अपने आप को घरों में कैद कर लीजिए, अपने आप को घरों में बंद कर लीजिए। उसके बाद कोरोना की सेकेंड वेव धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और फिर से भारत एक दिन मुस्कुराएगा। लेकिन होता क्या है, बुरा वक्त देर से कटता है, लेकिन दोस्तों करें भी तो क्या करें, रात कितनी भी बड़ी हो लेकिन उसको सवेरा होने से कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक बातें सिखाइए, अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो भी अपने दिमाग को ऐसे सकारात्मक चीजें सिखाइए, सकारात्मक बातों से परिपूर्ण कीजिए कि आपको कोरोना का दुख फील ही नहीं हो। साथियों जो लोग रिकवर हुए हैं, जो लोग कोरोना रोग से सही हुए हैं, वो लोग कहते हैं हमेशा माइंड को आप सेट रखिए, माइंड को अच्छा संकेत दीजिए, माइंड को अच्छा फील कराइए, अपने आप आपकी जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों जब अपने ही लोग छोड़ के जाते हैं तो दुख दिमाग में नहीं दिल में होता है, वास्तव में दिल रोने लगता है, लेकिन करे भी तो क्या करे, उस मौत की आहुति में कैसे अपने स्वयं को धकेल सकते हैं। इसलिए ये घटना जिस फैमिली में बीतती है, जिस परिवार में घटित होती है, उसे ही कोरोना की वास्तविकता का पता चलता है। आप दुनिया के लिए केवल एक हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हो, अपने परिवार के मेंबर्स के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप भगवान हो, उस भगवान को कभी मत खोने दीजिएगा। सलाम है उन्हें जिन्होंने आपकी जिंदगी को बचाने के लिए अपनी ही जिंदगी को दांव पे लगा दिया, वह देश के डॉक्टर्स एक भगवान का रूप है, वास्तव उन्होंने ये इस रोग इस भयंकर बीमारी में साबित करके लोगों के सामने बता दिया कि इस समय हमारा दोस्त इससे बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों सलाम है उन पुलिस अफसर को, सलाम है उन सैनिकों को जो बॉर्डर पे गोली चलाना जानते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग, जब अपने ही देश के लोग संकट में हो तो वो उन्हें गोली गिराना भी जानते हैं। सलाम ऐसे लोगों को, संपूर्ण देश उनको सलाम करता है, क्योंकि उनके कर्तव्य, क्योंकि उनके कार्य ऐसे हैं जो लोगों के हित में हैं। आप भी बन सकते हैं एक समाज में ऐसे व्यक्ति के तौर पर, समाज में एक अच्छी अपनी पहचान बना सकते हैं, लोगों की हेल्प करके, किसी भी रूप से लोगों की हेल्प करके, लोगों की सहायता करके आप अपने आप को एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे नागरिक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो गज दूरी मास्क जरूरी, अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो एक नहीं दो मास्क लगाइए, क्योंकि दोस्तों अब मास्क ही आपका उपचार है, मास्क ही आपका इलाज है। लेकिन घर के आसपास कितना भी बड़ा शादी समारोह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वहां पे नहीं जाएं, जितना हो सके उतना बसें, अगर इतना भी आवश्यक है तो दो गज की दूरी रखें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, हाथ को बार बार सैनिटाइज करें, हाथ को बार बार मुंह कान आंख के पास नहीं लेके जाएं, अगर जाते हैं तो हाथ को बार बार धोएं, मास्क लगाए, ये इन सभी चीजों की जानकारी रखिए। दोस्तों अगर संक्रमित हो गए तो जिंदगी से हाथ धो बैठोगे, जिंदगी बहुत प्यारी है, अभी हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी तो हमारा शुरुआत हुई है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति इस देश के लिए कितना कर सकता है और वो आने वाले समय में पता नहीं देश के लिए कितने नए नए आविष्कार, देश का कितना कितना बड़ा नाम रोशन कर सकता है। इसलिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का, एक दिन फिर भारत मुस्कुराएगा, कोरोना हारेगा, देश जीतेगा।